भारत में एक बार फिर कोरोना मामले एक दिन में 30,000 से ज्यादा सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 31,923 नए कोरोना केस आए हैं। 282 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 24 घंटे में 31,990 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 349 एक्टिव केस कम हो गए हैं। कुल कोरोना एक्टिव केस 187 बाद सबसे कम हुए हैं। भारत में कोरोना के पिछले 7 दिनों का आंकड़ा 16 सितंबर 34,403, 17 सितंबर 35,662, 18 सितंबर 30,773, 19 सितंबर 30,256, 20 सितंबर 26,115, 21 सितंबर 26,964, 22 सितंबर 31,923। देश भर में कोरोना संक्रमण की स्थिति, कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,35,63,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,46,050 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,28,15,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या करीब 3,00,000 है। कुल 3,01,640 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, इनका इलाज चल रहा है। कोरोना के कुल मामले 3,35,63,421, कुल डिस्चार्ज 3,28,15,731, कुल एक्टिव केस 3,01,640, कुल मौतें 4,46,050, कुल टीकाकरण 83,39,90,000 डोज दी गई हैं। केरल में दर्ज किए जा रहे सबसे ज्यादा कोरोना केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते दिन 71.38 लाख टीके लगाए गए हैं। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक करीब 55.83 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन 15.27 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं। इसका पॉजिटिविटी रेट 3% से कम है। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.33% है, जबकि रिकवरी रेट 97.77% है। एक्टिव केस 0.90% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 8वें स्थान पर है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुई हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।